भारतीय इतिहास को बदल देने वाला युद्ध, खानवा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस युद्ध के बारे में जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, खानवा का युद्ध। मीमांसा हिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। खानवा राजस्थान के भरतपुर के रूपवास नामक गांव के पास एक मैदान है। युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने हुई थी। कहा जाता है कि पानीपत के बाद यह बाबर के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई थी। बाबर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार किया। उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ के राणा सांगा थे, जिनके प्रभाव से पूरे भारत में उनका एक वर्चस्व बना हुआ था। राणा सांगा ने शुरुआत में यह सोचा कि बाबर सिर्फ लूट के इरादे से ही दिल्ली और आगरा आया है, लूट के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। पर समय बीतने के साथ जैसे जैसे राणा सांगा को पता चला कि बाबर अपना स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता है, तब बाबर और राणा सांगा में युद्ध होना तय हो गया। राणा सांगा जहाँ दिल्ली और आगरा को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, वहीं बाबर भी अपने मुगल वंश को स्थायी सत्ता बनाने के साथ संपूर्ण भारत को अपने वर्चस्व में लाना चाहता था। दोनों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम रहा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ 21 फरवरी 1527 को, जिसमें राणा सांगा की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया, जिससे मुगल सेना का आत्मविश्वास डामाडोल हो गया। उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बाबर ने शराब का कप तोड़ा तो वहीं तमगा कर अपनी सेना से हटा दिया। अपने सैनिकों में विश्वास पुनः उसने जागृत किया और इसे एक जिहाद की संज्ञा देते हुए युद्ध के लिए उनको तैयार किया। जी हाँ, युद्ध, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान की। बाबर के पास सेना थी 50,000 और सांगा के पास थी 1,00,000, दुगुनी सेना और 500 युद्ध के हाथी। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2,00,000 सैनिक थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर अपनी योजना के अनुसार आया था। उसने तुलगुमा पद्धति से तोपों के साथ उसने अपनी पूरी युद्ध नीति सजा के रखी थी। तो राणा सांगा वही पुरानी पद्धति से युद्ध के मैदान में जा पहुंचे। युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत में राणा सांगा की सेना मुगलों पर भारी पड़ी, पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बाबर ने अपनी तुलगुमा पद्धति से राणा सांगा की सेना को चारों ओर से घेर लिया। तोपे चली। कहा जाता है कि उस समय बारिश हुई, घनघोर बारिश, जिस कारण से तोपे चली। तोपों से और बारिश की गर्जना से राणा सांगा के 500 हाथियों ने उसकी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया, जिससे राणा सांगा की सेना में हाहाकार मच गया। गोलियां चली। उन गोलियों के निशान आज भी इन पहाड़ों पर देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि एक गोली राणा सांगा को लगी, वो 1 घंटे तक युद्ध के मैदान में मूर्छित रहे। सेना में हाहाकार मच गया। राणा सांगा को इस युद्ध में 80 घाव लगे थे। राणा सांगा घायल हो गए और उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबर की सेना ने ऐसा हाहाकार मचाया कि राजपूत की सेना वहां से भाग खड़ी हुई और बाबर की एक अप्रत्याशित पर बहुत महत्वपूर्ण जीत उसे मिली। कहा जाता है कि युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई और स्वयं उसने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने तुलगुमा पद्धति से युद्ध जीता था, जिसने उसने अपनी रिजर्व सेना को गाड़ियों के पीछे रखा। तुर्क घुड़सवारों को गाड़ियों के पीछे रखा और तोपों ने अपना कमाल किया।
क्योंकि उसके पहले किसी युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो राजपूती सेना अपनी पुरानी पद्धति से युद्ध लड़ते हुए युद्ध हार गई और बाबर कम सैनिकों के बावजूद भी अपनी युद्ध नीति से युद्ध को जीत गया। तो इस तरह से बाबर ने खानवा का युद्ध जीता और मुगल सेना की स्थायी सत्ता भारत में स्थापित की। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास को बदल देने वाला युद्ध माना जाता है, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा हारे और बाबर जीता। युद्ध के बाद राणा सांगा रणथंभौर गए। रणथंभौर के बाद फिर पुनः वो युद्ध बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, पर दोसा के निकट ही उनको उनके सेनापति के द्वारा विष दे दिया गया, जिससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। आज भी उनका स्मारक बना हुआ है, पर कैसी दुर्दशा में बना हुआ है यह हमारी समस्त भारतीयों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। ऐसा वीर जिसने युद्ध लड़े, अनेक युद्ध लड़े, दुश्मनों को हराया, 80 घाव सहे, उसके स्मारक की दुर्दशा देखकर मन बहुत व्यथित होता है। तो राणा सांगा हमारे जीवन में अमर रहेंगे। जय राणा सांगा, जय मेवाड़।